स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग ट्यूटोरियल भी सबमिट कर दीजिएगा, सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के क्लासरूम में हैं। जिसने नहीं सबमिट किया है वो भी सबमिट कर दें, अदरवाइज जिसके जिसका सबमिशन नहीं हुआ है उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करिएगा कि ट्यूटोरियल मंडे ट्यूसडे तक अपलोड कर दीजिए, क्योंकि थर्ड का इवैल्यूएशन हो चुका है, फोर्थ और फिफ्थ का इवैल्यूएशन अब होगा। तो नहीं सबमिट करने वालों को 0 मार्क्स मिलेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो रही है ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करने में तो वो आप लोग पूछ लीजिए। 3-4 में कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल वाली यूनिट में कोई डाउट हो आप लोगों को तो डिजिटल वाली यूनिट से भी पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है डिजिटल की। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें 100% मार्क्स मिलेंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। सर ट्यूट 5 में कितने क्वेश्चन करने हैं? जो पूरा 24 सब्जेक्टिव है सब? नहीं पूरा मत करिए, 10 क्वेश्चन करके सबमिट कर दीजिएगा, बस जल्दी थैंक यू सर। सबमिट कर दीजिए। ओके अविनाश, आपने जो क्वेश्चन शेयर किया है, क्लास में है अविनाश? जी सर। आपने जो क्वेश्चन शेयर किया है इसको ट्रुथ टेबल से करके देखिए, इसकी ट्रुथ टेबल दोनों की लिखिए, उससे ओके करके सर। देखिए, क्योंकि बुलियन से हमें लग रहा है शायद क्वेश्चन गलत है ये। तो इसमें जब आप ट्रुथ टेबल से करेंगे तो हम मेथड बता दे रहे हैं किस तरह से करना होगा। ए बी सी 3 वेरिएबल हैं इसमें, ठीक है, तीनों वेरिएबल।
की वैल्यू लिख लीजिए, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 0 से लेकर के लास्ट वैल्यू आएगी 111 तक। और इसके बाद में एक कॉलम में लिखिए जो है LHS वाली वैल्यूज, यानी AB प्लस AC प्लस B बार C, ठीक। और सेकंड कॉलम जो थर्ड कॉलम बनेगा उस कॉलम में लिखिए AB और प्लस B बार C, ठीक है। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है ये बुलियन में कोई हमको भी आइडेंटिटी अभी स्ट्राइक नहीं कर रही है कि क्या लगेगी इसमें। इस मेथड से करके देखिए, इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। अब जैसे ए बी की वैल्यू है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी जीरो आएगा, प्लस ए इंटू सी ये भी जीरो आएगा, और प्लस बी बार इंटू सी 0 × 1 ये भी 0 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 ही आ रही है, ठीक। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आएगी, यहाँ से तो सही है। ऐसे ही अदर वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। 1 + 1 + 0 तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 1 + 0 1 आ रहा है। तो ये दो वैल्यूज तो देखिए सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस दोनों वैल्यूज इक्वल है। रेस्ट वैल्यूज आपको करके देखना होगा कि कोई वैल्यू ऐसा तो नहीं जो अनइक्वल आ रही हो, लाइक जैसे 001 भी हम रख के देख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू 0। पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हैं? हाँ ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। बी बार इंटू यानी 1, तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और इसमें रखेंगे ए बी की वैल्यू 0 और बी बार सी की वैल्यू 1। देखिए ये भी वैल्यू सेम आ रही है, तो हमें लग रहा है ये सही है। इसको आप करके देखिए, ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो आप ऐसे ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, अगर आपको सोल्यूशन मतलब उसमें नहीं आ पा रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके सर, इनका क्वेश्चन अविनाश का यही था। ये ट्यूटोरियल शीट में एक क्वेश्चन गिवन था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू दी हुई थी और इक्वल करके राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू गिवन थी। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये अविनाश का क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने सॉल्व किया हो बुलियन अलजेब्रा के थ्रू तो सोल्यूशन आपस में शेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज इस तरह ट्रुथ टेबल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों जो RHS और LHS में टर्म्स दिए हैं ये इक्वेलेंट है या नहीं है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन नंबर तो हमें नहीं पता है, अविनाश बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? सर ट्यूट 4 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ट्यूट 4 क्वेश्चन 9 बी पार्ट। सर इसको अगर लॉस से प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा? क्या लॉ लगा रहे हैं सर? एसी वाले टर्म में बी प्लस बी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, बी प्लस बी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल देंगे, फिर उसके बाद ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस बी डैश सी आ जाएगा। फिर इसमें कॉमन टर्म्स आ रहे हैं सर, उसको लेंगे कॉमन तो फिर आ जाएगा आंसर। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर देखिए आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि हो सकता है शायद एक्सपेंशन करके सॉल्व हो रहा है तो ठीक है। वेरी गुड अंशिका, अगर आपने सोल्यूशन निकाल लिया है बुलियन से तो थैंक यू सर। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यही है कि ये वाला जो टर्म है हमारे पास में, ये मिडिल वाला टर्म, इस टर्म में हम सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई, सॉरी बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे उसके बाद एक्सपेंशन के बाद फिर हम कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे, जैसे बी बार सी कॉमन निकलेगा सेकंड टर्म से, फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है अगर इन्होंने सॉल्व किया अंशिका ने तो फिर हो जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज ये वाला जो मेथड है, अगर किसी क्वेश्चन में कभी भी आपको ये लग रहा हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास टाइम है कि आप कर सकते हैं, तो आप ये ट्रुथ टेबल वाला मेथड लगा करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये मेथड एक्सेप्टेबल है अनटिल अनलेस अनलेस उसमें ये ना लिखा हो कि इसको सिर्फ और सिर्फ बुलियन अलजेब्रा से ही सॉल्व कर। अगर ये चीज मेंशन है तब आप इससे नहीं कर सकते। अगर सिर्फ प्रूफ करने की बात है तो आप प्रूफ किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको सिर्फ बुलियन अलजेब्रा के आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है, तब आप ये मेथड नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में चलते हैं। इसमें ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन हम आप लोगों को बता देते हैं आज, और कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में फिर हम रेस्ट ऑफ द जो यूनिट है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये तो स्टडी कर लिया कि किस तरह की वेव फॉर्म हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं, और बाद में रिसीवर में फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन वाले पार्ट में हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन दोनों को मिक्सअप करके भेज देते हैं, और जब रिसीवर पे उस सिग्नल को रिसीव किया जाता है तो उसको वापस रिकवर करने के लिए उसमें से कैरियर सिग्नल को रिमूव करते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत होगी। तो अगर हम अपने ओरिजिनल जो हम लोगों ने सिग्नल स्टडी किया था ट्रांसमीटर साइड का, उसको देखेंगे पहले कि वो सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या था, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने स्टडी किया था ये रहा वो एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ये पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, और एक एक्सप्रेशन ये वाला पढ़ा था, इक्वेशन 10.27। तो ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है, ये एक्सप्रेशन किस तरह से आया है, हमने दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलेट करके इस सिग्नल को जनरेट किया हुआ। अब इसी सिग्नल को हमें किस तरह से सर्किट के थ्रू जनरेट करना है, इसी सेम सिग्नल को सर्किट के थ्रू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यही देख लेते हैं पहले कि ये सिग्नल में क्या हो रहा है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर दो सिग्नल्स का समेशन है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये दो सिग्नल्स कहीं से जनरेट करके फिर उनको ऐड करना होगा, और बिफोर दैट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये दो सिग्नल्स जो हमें दिख रहे हैं, एक साइन ओमेगा एम टी और एक साइन ओमेगा सी टी, इन दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहला ऑपरेशन हम ये परफॉर्म करेंगे कि पहले इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों सिग्नल्स के मल्टीप्लीकेशन को इसमें ऐड कर देंगे। सिंपलेस्ट सर्किट जो है वो इस सिग्नल को जनरेट करने का यही है। और ये साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी, ये जो दोनों सिग्नल्स हैं, ये दोनों सिग्नल्स हमारे गिवन सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं सिग्नल्स का यूज करके हम लोग एम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो वीएम सिग्नल हमें गिवन होता है और वीसी सिग्नल गिवन होता है। अब इन्हीं दोनों सिग्नल्स को हम पहले तो फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन इसमें वीसी वाले टर्म को ऐड कर देंगे। तो सेम सर्किट यहां पर ड्रॉ किया गया है, और इस सर्किट में सबसे पहला एलिमेंट जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, एनालॉग मल्टीप्लायर। ये एनालॉग मल्टीप्लायर क्या काम करेगा, इस वीएम सिग्नल को और इस वीसी सिग्नल को, ये जो दोनों सिग्नल इसके लिए इनपुट का काम कर रहे हैं, इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देगा, इस तरह से वीएम इंटू वीसी। तो वीएम इंटू वीसी हमारे पास में क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं कि इट इज इक्वेलेंट टू दिस स्टेप। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इस सिग्नल में प्लस कैरियर सिग्नल करना है, यानी वी सी साइन ओमेगा सी टी। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये डायरेक्ट हम इस वी सी को यहाँ ले आएंगे और इस एडर के थ्रू, समर के थ्रू इस वी एम इंटू वी सी में ऐड कर देंगे। तो हमें ओवरऑल जो सिग्नल है वो मिल जाएगा वी इक्वल्स टू वी सी प्लस वी एम इंटू वी सी। तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है ए एम मॉड्यूलेशन का। इसके अलावा भी कुछ अदर जनरेशन की टेक्निक्स भी हैं जिनके थ्रू हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करते हैं, बट सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक यही है। इसके थ्रू हम इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करते हैं और फिर इसको हम ट्रांसमीटर के थ्रू, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। आफ्टर ट्रांसमिशन क्या होगा, ये सिग्नल रिसीवर के पास में रिसीव होगा। अब जब रिसीवर के पास में सिग्नल रिसीव होगा तो रिसीवर को कौन सा सिग्नल चाहिए, रिसीवर को चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि कैरियर सिग्नल को तो जस्ट हम एज अ कैरियर यूज कर रहे हैं ताकि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रेवल करा सकें। तो इस रिसीवर को कैरियर सिग्नल से कोई मतलब नहीं होता है, इसको जो ज़रूरत है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की ज़रूरत है। तो इसीलिए रिसीवर पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करने का प्रोसीजर किया जाता है। और इस रिकवरी में क्या करते हैं कि कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग किया जाता है। तो यही जो सिग्नल्स को रिमूव करने का प्रोसीजर है वो डिमॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है, जो कि हम लोग रिसीवर पे परफॉर्म करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक हो गई। इसका सर्किट आप लोगों को ये दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो सिग्नल रिसीव होता है वो इसके इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई किया जाता है। तो जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो सिग्नल कौन सा सिग्नल होगा, जो हमने वहाँ से जनरेट करके भेजा है, ये सिग्नल जनरेट करके भेजा गया और यही सिग्नल यहाँ रिसीवर के टर्मिनल्स पे रिसीव होगा। तो रिसीव होने के बाद में यहाँ से इस सर्किट की वर्किंग स्टार्ट होती है इन दोनों टर्मिनल के बाद से। तो इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि एक डायोड यूज किया गया है, एक कैपेसिटर यूज किया गया है और एक रेजिस्टेंस यूज किया गया है। डायोड का काम क्या है कि डायोड सिर्फ पॉजिटिव पल्सेस के लिए ऑन होता है, यानी सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल को ये पास होने देगा एंड नेगेटिव सिग्नल्स के लिए डायोड ऑफ हो जाएगा और नेगेटिव सिग्नल्स यहाँ से पास नहीं होंगे। तो इट मींस कि हम अगर इस सिग्नल को देखें, जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो इस सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट क्या है, अगर हम ये वेवफॉर्म देख रहे हैं तो इसका पॉजिटिव पार्ट इस रेड लाइन से जो मार्क किया, इसके ऊपर का जो सिग्नल होगा ये पॉजिटिव पार्ट होगा और ये नीचे वाला जो है ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये पार्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आगे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इसी के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब सेकंड नोड ये आता है। अब इस नोड पर आने के बाद में यहाँ पर दो पाथ हैं, एक पाथ इस तरफ है कैपेसिटर की तरफ और एक पाथ इस तरफ है रेजिस्टेंस की तरफ। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर की वर्किंग देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से वर्क कर रहा है। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में दो सिग्नल्स मिक्सअप हैं। एक सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक सिग्नल है कैरियर सिग्नल। तो अगर हम इस कैरियर सिग्नल की बात कर रहे हैं तो दिस कैरियर सिग्नल इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बना हुआ है ये सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी का, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर में तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम लोग कैपेसिटर का इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, यानी एक्स सी कैलकुलेट करें, तो इसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? सर अंडर रूट आर एल प्लस आर सी स्क्वायर। सर अंडर रूट आर एल स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर। नहीं भैया, सर वन अपन ओमेगा एल ओमेगा सी। सर ठीक, वन अपन ओमेगा सी।
वेरी गुड. ठीक, जब भी इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा एल लिखते हैं एक्सएल के लिए, यानी इंडक्टर के इम्पीडेंस के लिए, और जब कैपेसिटर का इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो वन अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं. और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई एफ. तो यहाँ पर जब हम टू पाई एफ लिख लेते हैं तो अब हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका इम्पीडेंस किस फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होगा. अगर डीसी सिग्नल है तो इम्पीडेंस कितना होता है कैपेसिटर का, बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटरमीडिएट में. अच्छा ये बताइए, डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अरे कोई लोग तो बता दो सर. जीरो हर्ट्ज. जीरो. डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, और जीरो है तो इट मींस एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट. तो कभी भी डीसी सिग्नल कैपेसिटर से पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसका इंपेडेंस इनफाइनाइट है डीसी सिग्नल के लिए. चलिए डीसी की हमें जरूरत नहीं है, हम अपने सिग्नल पर आ जाते हैं जो सिग्नल हमें गिवन है. तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, यानी इस एफ की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, उस केस में एक्सी की वैल्यू क्या होगी? लो होगी, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, और यहां पर जैसे ही हम एफ की वैल्यू हाई रखेंगे वैसे ही एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी लो आएगी, बिकॉज एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. तो जब इसका इम्पीडेंस बहुत कम होगा तो इट मींस जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा यहाँ पर जो आ रहा है वो सिग्नल किधर जाएगा, कैपेसिटर की तरफ, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, और यहाँ से पास होकर के इधर ये ग्राउंड पे गया. तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर सिग्नल तो इधर चला गया. अब अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात कर रहे हैं, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, जिस सिग्नल की हमें ज़रूरत है, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो एफ की वैल्यू लो होने की वजह से इस एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी हाई. और जब इस एक्ससी की वैल्यू हाई होगी तो ये कैपेसिटर इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए बहुत ही हाई इम्पीडेंस शो करेगा, इसीलिए जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो कैपेसिटर की तरफ ना जा करके इधर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो हमें इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा. और आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला सिग्नल, जो ये सिग्नल है, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. फिगर देखिए बना हुआ है. पहला स्टेप क्या था, ये इनपुट सिग्नल. सेकंड स्टेप में डायोड ने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को आगे बढ़ाया, और थर्ड स्टेप में कैपेसिटर ने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी इस कैरियर सिग्नल को रिमूव कर दिया, और सिर्फ ये जो ओरिजिनल सिग्नल था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया, तो इसको हम लोग आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस मेजर कर लेंगे. तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिग्नल हमारे पास था इसको पहले हमने क्या किया कि इसमें कन्वर्ट किया और सेंड कर दिया, उसके बाद में फिर इस सिग्नल से हम इस सिग्नल में कन्वर्जन किए, और फिर इस सिग्नल से इसमें कन्वर्जन किए, और हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल गया. तो इसी तरह का प्रोसेस कम्युनिकेशन में होता है कि जो भी हम लोगों के वॉइस फ्रीक्वेंसीज हैं, इन वॉइस फ्रीक्वेंसीज को हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ इसी तरह से मिक्सअप करके, टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट जो प्रिंसिपल है वो यही है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ इसको मिक्स करके, सुपरइम्पोज करके इसको ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू वायर और वायरलेस, और फिर रिसीवर पे जस्ट इसका रिवर्स ऑपरेशन होता है, ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर किया जाता है और उसको यूज किया जाता है.
बस टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि आजकल जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, और ये एनालॉग मॉड्यूलेशन अब नहीं यूज़ होती हैं या बहुत कम यूज़ होती हैं। जो पहले रेडियो सुना जाता था वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हुआ करते थे, अब आज के डेट में तो सब लोग मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं एंड मोबाइल्स में डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो ये टेक्निक अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई है। कोई समस्या तो नहीं मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन समझने में आप लोगों को? एग्जाम में ये भी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन भी पूछा जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको इसमें बताते चले हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ज़रूर पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है। उसके अलावा फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स और जो पावर के एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करवाए हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की टेक्निक्स पूछी जाती है। अभी तक जितना भी 5th यूनिट में पढ़ाया उसमें यही तीन चार चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद का जो सिलेबस है वो कल जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे। अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में, किसी ने ना दी हो तो, और कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, टाइम है अभी, क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ट्यूट शीट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं? नहीं, पूरे करने। अच्छा पूरे, ओके ठीक है सर, थैंक यू। अभी सबमिशन के लिए आप 10 कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे करिएगा। नहीं वही सर, मैं सबमिशन का ही पूछ रहा था। सबमिशन 10 क्वेश्चन में कर दीजिए। ओके सर, जल्दी से इवैल्यूएशन हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, क्लास एंड कर रहे हैं। अटेंडेंस किसी की नहीं लगी हो तो लगा दीजिए, वेट कर ले थोड़ा।